फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। जी हाँ, ये एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनती है। ये देखिए, ये कढ़ी कितनी गाढ़ी है और पकौड़े भी एकदम सुपर सॉफ्ट बने हैं। ये इतने सॉफ्ट है कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। आज की जो मेरी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी है, ये मेरे घर की रेसिपी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पकौड़े बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ली है 1 कप बेसन। इसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच दही। दही मैंने फुल फैट ली है। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा मैंने 1/8 टीस्पून ली है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इन सब को मैं पहले हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें पकौड़े की बैटर तैयार करनी है। इसमें जो मैंने बेकिंग सोडा और दही डाली है, वो पकौड़े को सॉफ्ट बनाने के काम करती है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से हाथ से फेंटना है। पकौड़े की बैटर लगभग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तो आइए अब कढ़ी के लिए घोल तैयार करें। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ली। इसमें मैंने डाले हैं 1 कप बेसन। अब मैं इसमें 1 कप फुल फैट दही डाल देती हूँ। फुल फैट दही से कढ़ी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। कप में जो दही लगी है, इसे भी धो करके मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये इसमें अभी आपको लंप्स दिख रहे होंगे, इसलिए अब मैं इसे वायर विस्क से मिक्स करूंगी ताकि ये लंप्स फ्री हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करना है। थोड़ा और पानी डालें, मिक्स करें। इसमें मैंने अभी तक 1 कप पानी डाला है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। टोटल मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाले हैं। इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 कप और पानी डाल देती हूँ। टोटल मैंने इसमें 2 कप पानी अभी तक डाले हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और कढ़ी की घोल तैयार करनी है। कढ़ी की घोल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। मैंने जो पकौड़े की बैटर तैयार की थी, उसे 10 मिनट बाद हाथ से थोड़ा फेंट लेती हूँ। और अब मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। पकौड़े बनाने के लिए मैंने तेल गर्म कर ली है। अब इस गर्म तेल में हाथ से छोटे छोटे पकौड़े तेल के अंदर डालने हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। आप देख रहे होंगे कि पकौड़ों में छोटे छोटे से छेद बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। पकौड़े एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे पलटकर दूसरी तरफ कर देती हूँ।
सभी पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म कर ली है। इसमें मैंने 4 चम्मच तेल डाले हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 4 तेज पत्ते, 4 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून स्लाइस्ड ओनियन। पांच छह बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। इसे हल्का लाल होने तक भूनना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी। दाल या फिर कढ़ी में कसूरी मेथी डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून देगी मिर्च। ⅛ टीस्पून हींग। सभी चीजें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कढ़ी का घोल डाल देती हूँ। इसमें 3 से 4 कप पानी डालें और अच्छी तरह से चम्मच से चला लें। लगातार चलाते हुए कढ़ी को हाई फ्लेम पर पकाएं। कढ़ी जब पककर थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब इस स्टेज पर मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। इस स्टेज पर कभी भी नॉर्मल पानी नहीं डालनी चाहिए। हमेशा कढ़ी में ऊपर से जब भी पानी डालना हो तो गर्म पानी ही डालें। पानी डाल देने के बाद अब इसमें नमक डालें। और कढ़ी को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएं। कढ़ी जब अच्छी तरह से बॉयल होने लगे तब इसमें पकौड़े डाल दें। कढ़ी पककर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ।
कढ़ी को चावल के साथ सर्व करें और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।